एनवीएन में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम बुलंदशहर में होने वाले साधुओं की हत्या पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज से 10 दिन पहले पालघर में दो साधुओं की और उनके ड्राइवर की निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद हमारे अर्णव गोस्वामी ने इस पर हंगामा खड़ा कर दिया। उनको पुलिस ने बुलाया और 12 घंटे तक उनसे जांच पड़ताल की। अर्णव वहां से निकले और शाम में दोबारा अपनी पूछताछ पर हंगामा करने की तैयारी कर रहे थे कि बुलंदशहर से दो और साधुओं की निर्मम हत्या की खबर आ गई। अब अर्णव के लिए धर्म संकट है कि वो अपनी विपता सुनाए या उन साधुओं की बात बताए। ये जो दो साधु हैं, जिनमें से एक का नाम जगदीश गिरी है, उनकी आयु 55 साल है, और दूसरे का नाम रंगी दास है, जिनकी आयु 46 साल है। ये लोग 12 साल पहले अपने घर से संन्यास लेकर निकल गए, 2 साल अलीगढ़ में रहे और पिछले 10 सालों से यहाँ बुलंदशहर के अनूप इलाके में रह रहे हैं। इनके हत्यारे को जब पकड़ा गया तो वो नशे में धुत था, इसलिए पुलिस विश्वास के साथ कोई कारण नहीं बता पा रही थी। हमने सोचा कि क्यों ना अखाड़ा परिषद के नरेंद्र गिरी जी से मालूम किया जाए, इसलिए कि जब पालघर में घटना हुई तो उत्तर प्रदेश में बैठ के उनको पता चल गया था कि वो गांव मुस्लिम बाहुल गांव है और मुसलमानों ने मिलकर के उन दो साधुओं की हत्या कर दी है। तो उत्तर प्रदेश में उनको किसने मारा और क्यों मारा, ये तो उनको पता चल ही गया होगा। लेकिन हमारी सारी कोशिश नाकाम रही, नरेंद्र गिरी जी का कोई वीडियो नहीं सामने आया। आगे बढ़ने से पहले आइए देखें कि किस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में बैठकर ये पता लगा लिया था कि पालघर में मुसलमानों ने साधुओं की हत्या की है। लेकिन इस तरह से उन्हें घेर करके मुस्लिम एरिया में उन साधु महात्माओं को लाठी डंडे से मारा गया, जहां में पुलिस भी थी और पुलिस के सामने हमारे दो महात्मा मारे गए, यह जांच का विषय है कि कई संत महात्माओं को हमारे जो दो महात्मा जूना खड़े के मारे गए, उन्हें साधु संत होने के नाते वहां के मुस्लिम एरिया के लोगों ने अपना बदला तो ले रहे हैं। दोपहर तक ये पता चल गया कि उन साधुओं का हत्यारा देवी सहाय का बेटा मुरारी सिंह उर्फ राजू है। ये खुर्जा क्षेत्र में रहता है और इस पर लूटमार और हत्या का आरोप पहले भी रहा है। वो जेल में था, उसकी अभी अभी जमानत हुई और वो वापस आया। 2 दिन पहले उसके ऊपर साधुओं ने चिमटा चुराने का आरोप लगाया और वो उसके घर गए और उन्होंने उसकी बुरा भला कहा और उस वक्त कहा सुनी हो गई। तो राजू ने उनको धमकी दी कि तुम्हारा अंजाम ठीक नहीं होगा। इसके बाद सुबह जब श्रद्धालु मंदिर में गए तो उन्होंने दोनों साधुओं की लाशें देखी और उन लोगों ने हत्यारे को तलाश करना शुरू किया तो राजू उनको मिल गया। वो मंदिर से 2 किलोमीटर दूर जंगल की तरफ जा रहा था। उन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया, पुलिस पहुंच गई, वो नशे में था, पुलिस उसको जो है वो अपने पुलिस स्टेशन ले गई। जब उसको होश आया तो राजू ने बताया कि मेरी उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, ये तो भगवान की मर्जी थी जो मैंने उसकी हत्या कर दी। अब सवाल ये है कि एक आदमी ने भगवान की मर्जी के मुताबिक दो साधुओं को मार दिया तो अब उसको योगी जी कैसे सजा देंगे, और राष्ट्र जानना चाहता है कि योगी उसके साथ क्या मामला करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको नवलगिरी महाराज की एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। उन्होंने पालघर की घटना के बाद उद्धव ठाकरे से इस्तीफे की मांग की थी, उनसे राजीनामा मांगा था और मोदी और योगी से गुहार लगाई थी कि वो साधुओं के लिए न्याय प्राप्त करें। महाराष्ट्र सरकार ने उनके नेतृत्व में, आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार जो है गद्दी के उसमें लालच में आके जो संतों की रक्षा नहीं कर पाई,
हिंदुत्व की रक्षा नहीं कर पाई, मानव की रक्षा नहीं कर पाई, पहले तो ये कहता हूँ कि उनको अपने त्याग पर दे देना चाहिए। अब सवाल ये है कि गेंद वापस योगी के पाले में चली गई है। देखना यह है कि नवलगिरी महाराज अब किससे गुहार लगाते हैं। नवलगिरी महाराज और ऐसे बहुत सारे साधु संतों की दबाव की वजह से योगी जी ने उद्धव ठाकरे को फोन करके बातचीत की थी और उनसे कहा था कि पालघर में जिन साधुओं की हत्या हुई है उनको इंसाफ दिलाया जाए और जिन लोगों ने हत्या की है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। 10 दिन बाद उद्धव ठाकरे को भी मौका मिल गया अपना हिसाब किताब चुकाने का, तो उन्होंने भी योगी को फोन किया और ये कहा कि इन साधुओं की जिन लोगों ने हत्या की है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। इस तरह से हिसाब तो 10 दिन में बराबर हो गया। इसकी खबर शिवसेना के MP संजय राउत ने एक ट्वीट के जरिए से की और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की अमानवीय घटना की राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर राजनीति का खेल नहीं होना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि सब मिलकर अपराधी को दंडित करें। तो दोस्तों आप देखें कि पहले महाराष्ट्र में 2 साधुओं की हत्या हो गई, अब बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या हो गई। इस तरह की हत्याएं नहीं होनी चाहिए और जो लोग भी इसमें मुलविस पाए जाते हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि कानून और व्यवस्था के मामले में राजनीति करने से समाज का नुकसान होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की समीक्षा, हमें उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, इसे लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।